हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑनलाइन टीआरपी, और ये जो ऑनलाइन टीआरपी है वो है वीक 8 की। तो वीक 8 की ऑनलाइन टीआरपी देख लेते हैं। टीवी वाली टीआरपी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, ये ऑनलाइन व्यूअरशिप पे बेस्ड टीआरपी है। और देखने वाले हैं हम टॉप 20 हाईएस्ट टीआरपी शोज़ जिनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज़्यादा देखा गया है। नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। तो भाभी जी घर पर हैं एनटीवी का शो 3.5 की टीआरपी लेकर आया है ऑनलाइन। नंबर 19 पर है ससुराल सिमर का सीज़न 2 5.0 के साथ। नंबर 18 पर तेरा मेरा साथ रहे 7.0 के साथ। नंबर 17 पर है दोस्ती अनोखी सोनी का नया सीरियल 9.0 के साथ। नंबर 16 पर है मीत 10.0 की टीआरपी के साथ। नंबर 15 पर है छोटी सरदारनी कलर्स टीवी का शो जो कि लेकर आई है 12.0 की ऑनलाइन टीआरपी। उसके ऊपर नंबर 14 पर है ये है चाहते स्टार प्लस का सीरियल 13.0 की ऑनलाइन टीआरपी के साथ। नंबर 13 पर है उड़ारियां 14.0 के साथ। नंबर 12 पर उसके ऊपर है धड़कन जिंदगी की सोनी का शो 16.0 की ऑनलाइन टीआरपी के साथ। इसको ऑनलाइन व्यूअरशिप और नॉर्मल टीवी वाली व्यूअरशिप में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, काफ़ी डिफरेंस है जो कि आप क्लियरली देख ही सकते हैं। तो नंबर 11 पर है द कपिल शर्मा शो जो कि 18.0 की ऑनलाइन टीआरपी लेकर आया है। नंबर 10 पर है गुम है किसी के प्यार में स्टार प्लस का पॉपुलर शो 19.0 के साथ। नंबर 9 पर है कुमकुम भाग्य 21.0 की ऑनलाइन टीआरपी के साथ। नंबर 8 पर है फना 24.0 के साथ। तो फना कलर्स का नया शो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑनलाइन व्यूअरशिप में। नंबर 7 पर भाग्यलक्ष्मी है 27.0 की ऑनलाइन टीआरपी के साथ। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा 28.0 के साथ। इसको ऑनलाइन व्यूअरशिप जो है बहुत ज़्यादा हाई है, काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इसके ऊपर है नंबर 5 पर कुंडली भाग्य 31.0 की ऑनलाइन टीआरपी के साथ। नंबर 4 पर है बड़े अच्छे लगते हैं सीज़न 2 37.0 की ऑनलाइन टीआरपी के साथ। सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसी की टीआरपी और टीवी वाले टीआरपी में है, वो बड़े अच्छे लगते हैं में है, बिकॉज इसकी टीवी वाली व्यूअरशिप और ऑनलाइन व्यूअरशिप में बहुत ज़्यादा मैसिव डिफरेंस हर हफ्ते हमें देखने को मिलता है। तो नंबर 3 पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस का शो 42.0 के साथ। उसके ऊपर नंबर 2 पर है अनुपमा 43.0 की ऑनलाइन टीआरपी के साथ। और गाइस, अनुपमा को भी पीछे छोड़ दिया है नागिन सीज़न 6 ने 44.0 की ऑनलाइन टीआरपी के साथ। नागिन 6 बनता है इंडिया का नंबर 1 शो ऑनलाइन टीआरपी के मामले में, टीवी वाले टीआरपी में नहीं लेकिन एटलीस्ट ऑनलाइन टीआरपी वाले में किसी शो ने अनुपमा को पीछे किया तो वो है नागिन सीज़न 6। इसको बहुत ज़्यादा देखा गया है ऑनलाइन व्यूअरशिप काफ़ी हाई है और इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देखा गया शो नागिन 6 बन जाता है इंडिया का नंबर 1 शो ऑनलाइन टीआरपी के मामले में। तो गाइज, ये थी वीक 8 की टॉप 20 टीआरपी ऑनलाइन शोज़। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए आपका फेवरेट शो है चैनल कौन सा है। और ऐसी ही लेटेस्ट टीआरपी डिटेल्स हर हफ्ते पाने के लिए हमारे चैनल टॉलीवुड अपडेट्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, और उसके साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसको दबा लीजिए ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। आप तक टीआरपी वीडियोज़ पहुँचते रहें, आपको पता चलता रहे आपका फेवरेट शो है चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।